दोस्तों आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है और इस साल के मेगा ऑक्शन में सभी टीमें कई सारे स्टार प्लेयर्स को टारगेट करेगी और अपने स्क्वाड को मजबूत बनाना चाहेगी, क्योंकि इस बार के ऑक्शन में क्रिकेट जगत के सभी स्टार प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सभी टीमों के स्क्वाड में शामिल होने वाले चार चार स्टार प्लेयर्स का नाम बताएंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन सभी टीमों के स्क्वाड में शामिल होने वाले चार चार नए प्लेयर्स का नाम बता देते हैं, यानी कि सभी टीमें कौन कौन से चार स्टार प्लेयर्स को अपने रडार पर रख चुकी है। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे पंजाब किंग्स की टीम के बारे में। तो ये टीम सबसे पहले एक ओपनर यानी कि शुभमन गिल को टारगेट करेगी और इसके बाद ये टीम कप्तान के लिए इयान मॉर्गन को टारगेट करेगी और इसके बाद ये टीम जेसन होल्डर और जोफ्रा आर्चर को ऑक्शन में टारगेट करेगी। और यहाँ पर पंजाब की टीम इस साल के मेगा ऑक्शन में काफी सारे स्टार प्लेयर्स को परचेज करेगी, क्योंकि इस टीम के पास सबसे अधिक पर्स बैलेंस है। इसके बाद इस लिस्ट की दूसरी बड़ी टीम है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, और ये टीम मेगा ऑक्शन में सबसे पहले स्टार ओपनिंग बैट्समैन को खरीदेगी। तो ये टीम ऑक्शन में मार्टिन गप्टिल को टारगेट करेगी और ऑलराउंडर सेक्शन में ये टीम साकिब अल हसन को टारगेट करेगी। और स्पिनर के लिए इस टीम की मैनेजमेंट ने बताया है कि ये टीम वापस से राशिद खान को टारगेट करेगी और साथ ही साथ ये टीम मोहम्मद शमी को भी ऑक्शन में टारगेट करेगी। तो हैदराबाद की टीम मुख्य रूप से इन्हीं चार प्लेयर्स को मेगा ऑक्शन में टारगेट करेगी। इसके बाद तीसरी टीम है राजस्थान रॉयल्स की टीम, और ये टीम किसी भी ओपनिंग बैट्समैन को टारगेट नहीं करेगी, क्योंकि इस टीम के पास पहले से ही काफी सारे ओपनर मौजूद हैं। तो ये टीम मिडिल ऑर्डर के लिए जो रूट को टारगेट करेगी, और ऑलराउंडर सेक्शन में ये टीम मार्कस एस्टोनिस को टारगेट करेगी, और स्पिन बॉलिंग के लिए ये टीम रवि बिश्नोई को टारगेट करेगी, और फास्ट बॉलिंग में ये टीम कैगिसोर अबाडा को टारगेट करेगी। तो मुख्य रूप से राजस्थान के रडार पर ये चार प्लेयर्स रहने वाले हैं। इसके बाद इस लिस्ट की चौथी बड़ी टीम है मुंबई इंडियंस की टीम, और ये टीम ऑक्शन में अपने पुराने प्लेयर्स को ही रडार पर रखेगी। तो सबसे पहले ये टीम देवदत्त पड्डीकल को टारगेट करेगी, और मिडिल ऑर्डर के लिए ये टीम स्टीव स्मिथ को टारगेट करेगी, और स्पिन बॉलिंग में ये टीम राहुल चहर को टारगेट करेगी, और फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में वापस से ये टीम ट्रेंट बोल्ट को टारगेट करने वाली है। तो मुंबई की टीम मुख्य रूप से इस साल के ऑक्शन में इन्हीं चार प्लेयर्स को रडार पर रखेगी। इसके बाद इस लिस्ट की पांचवी बड़ी टीम है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, और ये टीम इस साल के मेगा ऑक्शन में ओपनिंग के लिए ईशान किशन को टारगेट करेगी, जो कि पृथ्वी शॉ के साथ ओपन कर सके। इसके बाद ये टीम निकोलस पूरन को ऑक्शन में टारगेट करेगी, क्योंकि सिमरन हिटमायर के बाद इस टीम को बेहतरीन फिनिशर की आवश्यकता है। और इसके बाद ये टीम रविचंद्रन अश्विन और साथ ही साथ मेगा ऑक्शन में आवेश खान को टारगेट करेगी, यानी कि दिल्ली के रडार पर दो पुराने प्लेयर्स होंगे, और साथ ही में ये टीम ईशान किशन और निकोलस पूरन को ऑक्शन में अपने रडार पर रखेगी। तो मुख्य रूप से दिल्ली की टीम इन्हीं चार प्लेयर्स को मेगा ऑक्शन में टारगेट करेगी। इसके बाद इस लिस्ट की छठवीं बड़ी टीम है आईपीएल की सबसे मोस्ट पॉपुलर टीम, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम, और ये टीम ऑक्शन में सबसे पहले उस प्लेयर को टारगेट करेगी जो कि आरसीबी की कप्तानी कर सके। तो इसमें पहला बड़ा नाम है डेविड वार्नर का, और वार्नर को ये टीम 100% टारगेट करेगी। और इसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में ये टीम बेन स्टोक्स को टारगेट करेगी, जो कि डिविलियर्स की कमी को दूर कर सके। और इसके बाद ये टीम स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में राशिद खान को टारगेट करने वाली है, और फास्ट बॉलिंग सेक्शन में ये टीम जोफ्रा आर्चर को टारगेट करेगी। तो कुल मिला के आरसीबी के रडार पर ये चारों प्लेयर्स मुख्य रूप से रहेंगे, और आरसीबी की टीम इस साल के मेगा ऑक्शन में कई सारे स्टार प्लेयर्स को परचेज करेगी, क्योंकि आरसीबी की टीम आईपीएल 2022 में काफी मजबूत टीम बनाना चाहती है। इसके बाद इस लिस्ट की
सातवीं बड़ी टीम है डिफेंडिंग चैंपियन और MS धोनी की कप्तानी वाली यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। और ये टीम इस साल के ऑक्शन में फाफ डु प्लेसिस के जाने के बाद एक बेहतरीन ओपनर को तलाशेगी और ये प्लेयर हो सकते हैं शिखर धवन, जो कि ऋतुराज गायकवाड़ के साथ बेहतरीन ओपन कर पाएंगे। और इसके बाद ये टीम क्विंटन डिकॉक को भी ऑक्शन में टारगेट करेगी और ऑलराउंडर सेक्शन में ये टीम हार्दिक पांड्या को टारगेट करेगी, जो कि MS धोनी के बाद चेन्नई के बेहतरीन फिनिशर साबित हो सके। और अंत में ये टीम शार्दुल ठाकुर को टारगेट करेगी, क्योंकि शार्दुल ठाकुर ने चेन्नई के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। और साथ ही साथ ये टीम हर्षल पटेल को भी टारगेट कर सकती है। तो चेन्नई के रडार पर मुख्य रूप से यही सब प्लेयर शामिल होंगे। इसके बाद इस लिस्ट की आखिरी बड़ी टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। और कोलकाता की टीम इस साल के ऑक्शन में शुभमन गिल के बाद एक बेहतरीन ओपनर को तलाशेगी और ये प्लेयर होंगे क्रिस लिन। और क्रिस लिन को कोलकाता की टीम मेगा ऑक्शन में 100% टारगेट करेगी। और इसके बाद ये टीम ऑलराउंडर सेक्शन में मोहम्मद नबी को टारगेट करेगी और नबी काफी बेहतरीन प्लेयर साबित हो सकते हैं। और स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में ये टीम एडम जंपा को टारगेट कर सकती है। हालांकि इस टीम के पास पहले से दो स्टार स्पिनर मौजूद है और साथ ही साथ ये टीम विकेट कीपिंग सेक्शन के लिए ऑक्शन में मैथ्यू वेड को टारगेट करेगी, जो कि इस टीम के लिए ओपन भी कर पाएंगे या फिर छठवें नंबर पर भी खेल सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के मेगा ऑक्शन में कोलकाता की टीम मुख्य रूप से इन्हीं सब प्लेयर्स को रडार पर रखेगी। और ये टीम ऑक्शन में श्रेयस अय्यर को भी टारगेट कर सकती है। हालांकि अय्यर के ऑक्शन में आने के काफी कम चांस है, क्योंकि श्रेयस अय्यर प्लेयर ड्राफ्ट में भी बिक सकते हैं। तो यही था IPL 2022 के लिए सभी टीमों के रडार पर रहने वाले प्लेयर्स की फाइनल लिस्ट। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।